हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है क्योंकि मेरी खुद की ऑयली स्किन है और मुझे पता है ऑयली स्किन वालों को अपने फेस की कितनी ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है। विंटर्स में हमारी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है लेकिन रेनी सीजन में और समर्स में बहुत अच्छी खासी ऑयली रहती है। तो आपको किस तरह से आप अपने फेस को क्लीन रखो, क्लीन अप कैसे करो घर पे, तो वही टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ और कौन से प्रोडक्ट आपको यूज करने चाहिए जब आपकी ऑयली स्किन है। तो सारा इस वीडियो में कवर होने वाला है, विद डेमो मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं पहले कि मैं आज कौन से प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ। तो वो प्रोडक्ट है लोटस के प्रोडक्ट है सारे और हमें पता है लोटस बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं इसके और जो ये क्लेम करते हैं वो ही होते हैं। लाइक अगर ये लिखते हैं कि दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन तो प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए होता है। बहुत से ब्रांड होते हैं कि लिखेंगे ऑयली स्किन वालों के लिए और जब आप उसको लगाओगे तो आपके फेस पर और ज़्यादा ऑयल आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये लोटस के जो प्रोडक्ट होते हैं रियली जो क्लेम करते हैं वैसा ही होता है। तो मुझे बहुत पसंद है लोटस के प्रोडक्ट और ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है इनके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जब आप अपने फेस को क्लीन अप स्टार्ट करो तो मेक श्योर कि आपका फेस क्लीन रहे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस का टी ट्री वॉश। टी ट्री एक्ने स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मोर ओवर ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, आपकी स्किन को बहुत प्योरीफाई कर देता है। ये फेस वॉश मुझे बहुत पसंद है। सबसे अच्छी बात है इस फेस वॉश को अगर आपने एक बार यूज़ किया तो सेवन टू एट आवर्स आपको अपने फेस को वॉश करने की नीड नहीं होती है, बिल्कुल ऑयल नहीं आता है, ऑयल को कंट्रोल करके रखता है। अभी हम क्लीन करेंगे अपने फेस को टी ट्री वॉश के साथ। तो मैं ये फेस वॉश है तो मैं इसको जाके अपने फेस वॉश करके आती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ और आप देख सकते हो कि अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये जब आप अपनी स्किन को ऐसे टच करते हो ना तो आपको खुद को फील होता है कि बिल्कुल ऑयल नहीं है, क्लीन हो गया आपका फेस। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप और वो है अपने फेस को स्क्रब करना। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस का एप्रिकॉट स्क्रब और ये लिखते हैं कि ये ऑयल स्किन टाइप है तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी है। और जो एप्रिकॉट का शेल होता है उसके पाउडर, उसको पाउडर बना के और उसके बाद इस स्क्रब को बनाया जाता है। तो ये आपके जितने भी क्योंकि जब हमने फेस क्लीन किया तो हमारे जितने भी पोर्स थे वो ओपन हो चुके हैं, तो स्क्रब से जितने भी हमारे पोर्स ओपन हुए हैं वो उनको क्लीन कर देता है, जितने भी डर्ट होती है वो निकल जाती है, हमारी स्किन की डेड स्किन निकल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके साथ। तो ये आप देखो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और इसके साथ आपको बहुत छोटे छोटे से इसमें पार्टिकल्स दिखेंगे, इस तरीके से पार्टिकल्स है जो आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो मैं इस तरीके से लगा के और अच्छे से इसको मसाज कर रही हूँ। स्क्रब आपको बहुत धीरे धीरे मसाज करनी चाहिए, बहुत रब नहीं करना चाहिए अपने फेस को, बहुत फिंगर से आप मसाज करो, लाइट लाइट फिंगर के साथ। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही स्टेप आपको करनी चाहिए, अंडर आई भी करना चाहिए, नोज के साइड में भी आपको अच्छे से स्क्रब करना चाहिए। नोज के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स हो जाते हैं हमारे, तो वहाँ पे स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिप्स के अराउंड भी आपको स्क्रब अच्छे से करना चाहिए। फॉरहेड के लिए आप ये वाला स्टेप यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके अपने हाथ में और स्क्रब करो क्योंकि स्क्रब बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा पानी लेने के बाद इसको मसाज करनी चाहिए। तो 1 to 2 मिनट हम मसाज करेंगे अपने फेस पे और आप इंस्टेंट आपको नजर आ जाएगा कि जैसे ही आप अपने फेस को स्क्रब करते हो ना आपका फेस बहुत क्लीन हो जाता है, सारी डेड स्किन निकल जाती है इस फेस की। बहुत लाइट लाइट हैंड से आपको स्क्रब करना है और मैं 1 से 2 मिनट स्क्रब करने के बाद अपने फेस को वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फेस मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, डेड स्किन निकल गई है। तो बस अपने फेस को इस तरीके से टैप टैप करके ड्राई कर लीजिए। एक टिप मैं दूंगी, कभी भी अपने फेस को इस तरीके से रगड़ के साफ ना कीजिए, हमेशा टैप टैप करके ही क्लीन कीजिए। अपना जो फेस टॉवल है अपने बाथ टॉवल से अलग रखिए और फेस टॉवल को हमेशा 1 से 2 दिन में आप वॉश करके और धूप में सुखाइए,
तो जो भी अपनी आपकी एक्ने की प्रॉब्लम है वो आपकी 50% तो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हमेशा अपने इन टिप्स को ध्यान में रखिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। फेस जब डेड स्किन निकल जाती है, इट मीन्स आपके ओपन पोर्स जो हुए थे वो क्लीन हो गए हैं। नाउ आपको आपके ओपन पोर्स को बंद करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फेस पैक। और इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ लोटस का टी ट्री क्लियर फेस पैक, और ये टी ट्री ऑयल के साथ बना हुआ है। टी ट्री एक्ने पे वर्क करता है एज वी ऑल नो, तो एक्ने वाली स्किन के लिए टी ट्री बहुत अच्छा होता है। तो ये फेस पैक मैंने अपने फिंगर्स पे लेके और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो आप ज़रूर से एक बार ये वाला फेस पैक तो यूज़ कीजिए। इसका फेस वॉश और जो फेस पैक है दोनों बहुत अच्छे हैं। ये टी ट्री वाले स्क्रब आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और हाँ, आप बोलोगे कि यार इसने अपने फेस को स्क्रब किया है लेकिन मसाज नहीं की है, तो ऑयली स्किन वालों को मसाज वाला जो पार्ट है वो स्किप करना चाहिए, क्योंकि सारी मसाज क्रीम ऑयली वाली होती है। तो समर्स में अगर आप मसाज कर लोगे अपने फेस को तो ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो मसाज क्रीम से मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ यही अपने फेस को क्लीन अप करने के लिए 3 स्टेप ही फॉलो करती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं अपने फेस पे अच्छे से फेस पैक लगा लिया है, और इसको आपको 15 से 20 मिनट्स तक रखना है ड्राई होने के बाद, और अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो मैं 15 से 20 मिनट्स इसको रखती हूँ, उसके बाद फेस वॉश करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, फेस क्लीन करके आ गई मैं फेस वॉश हटा के, और नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे अपने फेस को मॉइस्चराइज करना, क्योंकि जितना भी हमने स्टेप्स किए हैं उनसे हमारा फेस का मॉइस्चर चला गया। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस का सेफ सन अल्ट्रा मैट जेल। ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए है, 50+ SPF है। तो इसका अलग से वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा फेस ये सनस्क्रीन लोशन है। तो बस आपको क्या कुछ नहीं करना है, अपने फेस पे सनस्क्रीन लगा लेना है, और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। और ये सनस्क्रीन ऐसा है कि आपकी स्किन में बहुत मैट लुक देता है, वो ऑयली वाली फीलिंग आती ही नहीं है आपको। तो बस ये हो गया हमारा फेस का क्लीन अप। तो जितने भी डर्ट थे वो सारी निकल चुकी है, हमारे पोर्स भी क्लीन हो गए हैं, क्लीन होके मिनिमाइज हो गए हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर से ट्राई करोगे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अभी तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, लाइक माई वीडियो, एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।